सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपने शॉप पर बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, इस मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर हमारे पास जितने भी फोन रिपेयर होने के लिए आते हैं उनके अंदर हमें अलग अलग प्रकार के फॉल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉमन फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन 90% ऐसे फोन होते हैं जिनके अंदर हमें अलग ही प्रकार का जो फॉल्ट है वो देखने को मिलता है, जो हम पहली बार देखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी फोन रिपेयर होने के लिए आता है तो पहले से हमें कुछ भी पता नहीं होता कि उस फोन के अंदर क्या फॉल्ट बना हुआ है। जब हम फोन को चेक करते हैं, फोन की ट्रेसिंग करते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम बनी हुई है और फोन के अंदर कौन सा फॉल्ट है, और उसके बाद हम रिपेयर करते हैं। जब भी हमारे पास नया फॉल्ट आता है उसको हम जब रिपेयर करते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और 90% फोन के अंदर ऐसा ही होता है कि अलग ही लेवल का, अलग ही प्रकार का फॉल्ट देखने को मिलता है। कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉमन फॉल्ट होता है जिसको हम कुछ मिनटों के अंदर ही रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस फॉल्ट को रिपेयर किया हुआ होता है और हमें पता होता है। लेकिन नए जब फॉल्ट आते हैं हमारे पास में, जब हम ट्रेसिंग करते हैं, फोन की चेकिंग करते हैं, तब जाके हमें थोड़ा समझ में आता है। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है कि फॉल्ट हमें समझ में नहीं आता और फोन होता है उसको रिटर्न करना पड़ता है, कस्टमर को बिना रिपेयर किए उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है, काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों के साथ में होता है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर हैं तो आपको पता होगा अच्छे से कि जितने भी फोन आ रहे हैं हमारे पास रिपेयर होने के लिए उनके अंदर अलग अलग प्रकार के फॉल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए गाइस, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि आपके पास जितने भी फोन रिपेयर होने के लिए आ रहे हैं उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, जो फॉल्ट आपसे रिपेयर नहीं हो पा रहा, जहां पर आपको समस्या आ रही है, जहां पे आपको प्रॉब्लम बनी हुई है, भले ही वो किसी कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज ना हो या किसी फॉल्ट के बारे में आपको पता ना हो, जो भी फोन रिपेयर होने के लिए आपके पास में आता है और अगर वो रिपेयर नहीं हो रहा है, आपको अगर वो फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉल्ट है, कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में गाइस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा फॉल्ट ऐसा है जो आपसे रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आपको मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर कहाँ पे समस्या आ रही है, ठीक है, आपको कौन से फॉल्ट को रिपेयर करने में परेशानी हो रही है, आपको किससे चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर के अंदर अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कंपोनेंट से रिलेटेड हो या फिर ट्रेसिंग से रिलेटेड हो या फिर फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड हो, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, भले ही वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में गाइस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपसे ये फॉल्ट रिपेयर नहीं हो पा रहे, तो उसके ऊपर गाइस मैं आने वाले टाइम के अंदर आपको वीडियो बना के दूंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्योंकि गाइस मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर अलग अलग प्रकार के फॉल्ट देखने को मिलते हैं और जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको हार्डवेयर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो फॉल्ट हैं वो डेली देखने को मिलते हैं, और कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो रिपेयर नहीं होते। और काफी सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल रिपेयरिंग समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कंपोनेंट की जानकारी नहीं है, किसी को गाइस फॉल्ट फाइंडिंग का पता नहीं है, किसी को डीसी रीडिंग का पता नहीं है, किसी को यूएसबी टेस्टर का पता नहीं है। तो गाइस ये अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी टेक्नीशियन भाइयों को रहती है। तो आपको जहां पर जिस सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम के अंदर उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे सकूं और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर सकूं। इसलिए गाइस इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नीशियन भाई उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हार्डवेयर के अंदर जो टेक्नीशियन भाई परेशान हैं, जिनको जिनसे फोन रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और आने वाले टाइम के अंदर मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूं और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो सके। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले टाइम पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइज मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।